बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 9 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हाथरस से हेम बाबू धनगर और साथ ही मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, तो बीएसपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, क्या कुछ खास देखा जा रहा है? देखिए, 16 प्रत्याशियों के नाम पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिए थे। आज सुबह के वक्त जो लिस्ट आई थी, अब जो है 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पहले और दूसरे जो फेज का चुनाव होना है, उसको ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। हाथरस से हेम बाबू धनगर को टिकट दिया है, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है, आगरा से श्रीमती पूजा अमरोही को टिकट दिया है, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को टिकट दिया है, फिरोजाबाद से सत्येंद्र सैली है, इटावा से सारिक सिंह बघेल है, कानपुर से कुलदीप भदौरिया है, और इसके साथ ही अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी है, जालौन से सुरेश कुमार गौतम है। ये पहले दूसरे और तीसरे जो फेज का जो चुनाव होना है, उसको देखकर ये सूची जारी की गई है। वो दूसरी सूची की अगर हम बात करें तो आप देखिए, इसमें जो है वो 4 कुल जो है वो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार है, यानी 4 जो है दलित समाज से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है कि दलित की भागीदारी कम से कम उत्तर प्रदेश में तेजी से हो, देश में तेजी से हो, इसको लेकर उम्मीदवारों के चयन में इस बात का ध्यान रखा गया। 9 में से जो है वो 5 जो 4 जो लोग हैं वो दलित क्षेत्र से आते हैं, दलित बिरादरी से आते हैं, और बसपा की रणनीति भी रही है ना कि जो है वो दलितों को किस तरह से आगे बढ़ाए। यही वजह है कि बसपा ने जो नामों का चयन किया है, 9 नामों का, उसमें जो है वो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से आने वालों की संख्या ज्यादा है। अभी जहां तक बात है बसपा सुप्रीमो मायावती की, वो लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही थी कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो है खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। उनके चयन की प्रक्रिया चल रही थी, और उसके बाद अब ये सुबह 16 उम्मीदवारों के नाम और दोबारा 9 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जारी किए गए हैं। बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये लोकसभा चुनाव है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव का अगर नतीजों को आप देखें, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर प्रत्याशियों को लेकर थी, तो वो बहुजन समाज पार्टी थी। सबसे ज्यादा लोकसभा प्रत्याशी जो है चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। तो इस बार भी बसपा के सामने चुनौती वही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जो है वो चुनाव में जिताए जाए, ताकि पार्टी को मजबूत स्थिति में लाया जा सके। बहुजन समाज पार्टी के पास चूंकि अपना दलित वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है, और ऐसे में जो दूसरे समाज का वोट बैंक है, अगर वो उसे मिलता है तो निश्चित तौर पर उसके प्रत्याशी बड़ी अंतर से जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल निखिल, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कितना दिलचस्प रहता है लोकसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी, और साथ ही ये भी देखना होगा कि बीएसपी कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनके साथ मैदान में उतरती है। जी निखिल। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर मजबूती के साथ चुनाव में आई है और चुनाव में जा रही है। ये बात बीएसपी को बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के सामने अपने संगठन को लोकसभा चुनाव लड़ाकर और ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवाकर जितवाना एक बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती का सामना एक तरफ से कहें तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। यही वजह है कि जो उम्मीदवारों के चयन है उसको खुद बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यालय में बैठ कर रही है। ये केंद्रीय कार्यालय से जारी की हुई सूची है। तमाम जो जनपदों से जो लिस्ट आई थी उनको जो है उनकी स्पूर्ति करने के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया था। एक एक नामों पर कुछ चयन जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का है, और शायद यही वजह है कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई दूसरे दलों से, लेकिन जो नाम आए हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि बसपा बहुत गंभीरता के साथ इस लोकसभा चुनाव को लड़ रही है। जी तो बिल्कुल एक मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के मैदान में कहीं ना कहीं बीएसपी इस समय उतरी हुई है। प्रत्याशियों का नाम जो है वो सामने आ चुका है, और मुद्दे भी हैं, मजबूत मुद्दे जिनके साथ बीएसपी मैदान में है। और इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे इस बार कि अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें, जिस तरीके से तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, जो चुनावी समीकरण है, सभी अपने अपने दल अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। भाजपा जो इंडिया गठबंधन वो अपने हिसाब से दावा कर रहा है, और इसके साथ ही जो इंडिया अलायंस है वो अपने अलग से दावा कर रहा है। अपने तमाम दावे हैं सभी पोलिटिकल दलों को, लेकिन आप बीएसपी को देखें तो बीएसपी के जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर होते हैं, दूसरे दलों की तरह बहुत शोर मचाकर वोटिंग नहीं करते। शायद यही वजह कि आप देखें, चाहे जितना आधी तूफान देश में आया हो या प्रदेश में आया हो राजनीति के क्षेत्र में, बसपा के वोट बैंक जो है, जो वोट शेयर है, वो बहुत ज्यादा कम, कभी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती भी बखूबी समझती है। यही वजह है उम्मीदवारों का नामों का चयन इस तरह से किया जा रहा है कि ताकि आने वाले समय में जब इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के सामने उनका प्रत्याशी खड़ा हो बहुजन समाज पार्टी का,
तो वो जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़े, उसके पास एक अपना वोट बैंक हो ही, इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है, मूल जो कैडर है, वो भी बसपा के साथ हो। और आप पिछले चुनाव में अगर आप देखें, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जब भी बनी तो उनके साथ जो कैडर वोट था वो हरदम उनके साथ चला। तो वो इस बार भी उम्मीद है बसपा को कि उनका कैडर वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा, और उसी कैडर वोट के दम पर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। बिल्कुल निखिल, और वहीं देखिए एक बार यहाँ पर INDIA गठबंधन की भी मैं बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि INDIA गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं अलग मुश्किलें हैं, जिस तरीके से BSP मैदान में है मजबूती के साथ, प्रत्याशियों के नामों के साथ। देखिए देखिए, बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए, बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को इस बात की उम्मीद थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उस गठबंधन के साथ आएंगी, लेकिन शुरुआती दौर में ही बसपा प्रमुख मायावती ने ये साफ कर दिया था किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में नहीं जाने वाली हूँ, और वो अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। और उसका संकेत आप देखिए, आते आते जो इंडिया अलायंस था उसमें कई दरारें आपको देखने को मिली, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश के अन्य राज्यों की बात हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अडिग रही इस बात पर कि अपने प्रत्याशी उतारेंगी, अकेले चुनावी मैदान में जाएंगी, और अब प्रत्याशियों की सूची आना भी जारी हो गई जी।